बेटा आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। पिछले लेक्चर पे हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को देखा था और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के रूल्स को देखा था। तो चलो आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, KNO4 मैग्नीज का निकालना है तो पोटेशियम का +1, मैग्नीज का जिसका निकालना है X हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2×4 =0 हो जाएगा। चूंकि जो चार्ज होता है, मतलब जो किसी ग्रुप पर चार्ज होता है, सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर की सम के बराबर होता है, तो यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर +1 +X -8 =0, तो X =फाइनली +7 हो जाएगा। यहाँ पर K2Cr2O7 ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, पोटेशियम का +1×2, क्रोमियम का 2X, ऑक्सीजन का -2×7, कोई चार्ज नहीं है तो 2X +12, X +6 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, SO4 -, में सल्फर का, तो सल्फर का X हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2×4 = -2, यहाँ पर X +6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 H3PO4 फास्फोरस का निकालना है, हाइड्रोजन का 1×3, फास्फोरस का X, ऑक्सीजन का -2×4 = 0, यहाँ पर +3 + X -8 = 0, X +5, यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर भैया Cr2O3 में क्रोमियम का 2X, ऑक्सीजन का -2×3 = 0, 2X +6, X +2, 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर H2SO5 सल्फर का, हाइड्रोजन का +1×2, सल्फर का X, माइनस ऑक्सीजन का -2×5 =0, X +8, X +8, इसका नाम है पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड ये हो जाएगा भैया यहाँ पर, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर या किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर ज़्यादा नहीं हो सकता, तो सल्फर का ग्रुप नंबर 6 है तो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख सकते हैं। ये +1, ऑक्सीजन का -1, चूंकि ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो पर ऑक्साइड हो जाएगा, पर ऑक्साइड में -1 होता है, तो
तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन का प्लस वन और दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, सॉरी दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन है तो टू कर देंगे, तीन ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका थ्री है, यहाँ पर सल्फर का एक्स लिख लेंगे बराबर जीरो है, सॉल्व करेंगे प्लस सिक्स आ जाएगा। H2S2O7 यहाँ पर सल्फर का, तो सल्फर का वन इंटू टू, यहाँ पर टू एक्स, ऑक्सीजन का माइनस टू इंटू सेवन इक्वल टू जीरो, यहाँ पर टू एक्स इक्वल टू प्लस ट्वेल्व, एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स, इसका नाम है ओलियम या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दें सेवन था ये एट, यहाँ पर H2S2O8 पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर सल्फर का निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायग्राम बना ही लो, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बांड या डबल बांड बोलो, यहाँ पर ध्यान दो ये हाइड्रोजन का प्लस वन माइनस टू, ऑक्सीजन का माइनस टू होता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन आपस में जुड़े होगा इनका माइनस वन होगा, माइनस टू माइनस टू माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस वन इंटू टू, माइनस वन इंटू टू, माइनस टू इंटू सिक्स, यहाँ पर दो सल्फर है तो टू एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, टू एक्स इक्वल टू प्लस ट्वेल्व, एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स हो गया, एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स हो गया। यहाँ पर CrO5 यहाँ पर ध्यान दें भैया, अब यहाँ पर Cr का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस दो गुणे पाँच बराबर जीरो, एक्स बराबर प्लस दस, लेकिन ये गलत है, ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो क्रोमियम का यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, ध्यान दो ये डायग्राम बनाओगे, ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, एक्स माइनस टू माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या है माइनस वन इंटू फोर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स, ये हो जाएगा यहाँ पर दस, क्वेश्चन नंबर दस। Fe3O4 यहाँ पर ध्यान दो, वैसे तो आयरन का निकालना है तो 3x माइनस टू इंटू फोर इक्वल टू जीरो, 3x इक्वल टू प्लस एट, एक्स इक्वल टू प्लस एट बाई थ्री, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो ये जो Fe3O4 है ये टूटता है FeO और Fe2O3 में, तो यहाँ पर FeO का निकालेंगे तो एक्स माइनस दो बराबर जीरो, तो एक्स बराबर प्लस दो, और यहाँ पर दो एक्स माइनस दो इंटू थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर दो एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स, एक्स इक्वल टू प्लस थ्री, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर ध्यान दो एक आई ई
वन आयरन इज इन प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर। एक आयरन का प्लस दो है और दो आयरन का प्लस तीन है, सेम इसी पैटर्न पे यहाँ। और ये ऑप्शन नीचे, ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, ये वाला। यहाँ पर Mn3O4 Mn3O4 सेम वही कि यहाँ पर 3x-2×4=0, ये मैग्नीज का निकालना है। 3x=+8 x=+8/3। अब यहाँ पर देखो, ये टूटेगा Mn2O3 में। इसका निकालोगे तो x-2=0, x=+2। यहाँ पर 2x-2×3=0, 2x=+6, x=+3। i.e. 1 manganese = +2, 2 manganese = +3। 1 manganese = +2, 2 manganese = +3। यहाँ पे भैया ये Mn3 और दूसरा हो जाएगा 12। अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, एक PV3O4 यहाँ पर 3x-2 यहाँ पर 4=0, 3x = +8, x = +8/3। और यहाँ पर 2PVO + PVO2, यहाँ पर PVO2 x-2×2=0, x=+4। यहाँ पर पीवी का कितना मानेंगे, एक्स मानेंगे, पीवी का कितना मानेंगे, x-2=0, x=+2। तो ये दो आयरन 2PV = +2, 1PV = +4। क्वेश्चन नंबर 13। ये हो जाएगा भैया CaO Cl2, इसको आप ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन सही फार्मूला अगर आपसे कहा जाए तो नीचे वाला है। वैसे दोनों में से जो भी आपको दिख रहा है वो सही दिख रहा है, लेकिन दोनों अगर एक साथ दिया है और पूछ रहा है कौन ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, तो फिर आप नीचे वाले को बताएंगे, ऊपर वाले को नहीं बताएंगे। ये टूटता है Ca++ में, OCl- में और Cl- में। तो यहाँ पर इस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और इस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर फाइन करेंगे। तो x-2=-1, x=+1, x=+1, i.e. 1Cl-1
यहाँ पर हाइड्रोजन का होगा प्लस वन इंटू फोर इक्वल टू प्लस वन, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। यहाँ पर एक्स माइनस टू इंटू थ्री इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू प्लस फाइव। तो ये माइनस थ्री होगा। माइनस थ्री, 15। पंद्रह ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, तो यहाँ पर अलग अलग आइटम का निकाला जा रहा था। यहाँ पर और थोड़ा सा देखें, यहाँ पर बी एच टू पी ओ टू होल ट्वाइस फास्फोरस का निकालना है। तो बेरियम सेकेंड ग्रुप का है, दो होगा। हाइड्रोजन का प्लस एक, लेकिन दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर दो से गुणा किए हुए हो तो प्लस चार हो जाएगा। फास्फोरस का प्लस एक्स और दो फास्फोरस है। यहाँ पर ऑक्सीजन का माइनस दो, लेकिन चार ऑक्सीजन है तो चार इक्वल टू जीरो। प्लस दो, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस छः, प्लस चार, हाँ यहाँ पर दो एक्स, यहाँ पर माइनस आठ, तो प्लस छः प्लस दो बराबर जीरो। तो प्लस दो एक्स इक्वल टू प्लस दो एक्स इक्वल टू प्लस टू बाई टू, दैट इज प्लस वन। ये हो जाएगा भैया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। 16 ये बुक में बना होगा, Na2S4O6। यहाँ पर सल्फर का निकालना है, तो प्लस वन इंटू टू सल्फर का होता है, निकालना है तो एक्स इंटू फोर का माइनस टू इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो। तो प्लस टू, यहाँ पर प्लस फोर इक्वल टू प्लस ट्वेल्व। यहाँ पर फोर एक्स इक्वल टू प्लस ट्वेल्व माइनस, तो फोर एक्स इक्वल टू प्लस टेन, एक्स इक्वल टू प्लस टेन बाई फोर, दैट इज प्लस 2.5। ये ध्यान दो, ये कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है, ये तो आपको पढ़ाया तो प्लस 2.5 जा रहा है। लेकिन एक बार यही क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया था, तो वहाँ पे, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर जो ऑप्शन था, ये देखो पहले हम लोग डायग्राम समझ लें, डायग्राम समझ लिया जाए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये इस तरह डायग्राम, तो दो सल्फर ऐसे हैं जो आपस में जुड़े हैं, तो जो आपस में जुड़े हैं उन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, मतलब इसका जीरो इसका जीरो हो जाएगा। अब इतना पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, तो किसी एक साइड का ज्ञात कर लो। यहाँ पर सल्फर का एक्स हो जाएगा, तीन ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का माइनस दो गुड़े तीन, और सोडियम के लिए प्लस वन हो जाएगा। और इतने पर देखो, अभी हम लोग इतने का निकालना है, इतने का यहाँ पर ये, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्स इक्वल टू प्लस फाइव आ जाएगा, उसी तरह से एक्स इक्वल टू प्लस फाइव यहाँ पर भी आ जाएगा, निकालेंगे सेम उसी पैटर्न पे। तो आई ई सल्फर इज इन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर,
और टू सल्फर इज इन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हो गया। यहाँ पर देखें भैया, Na2S2O3 लेते हैं, Na2S2O3 क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएगा, जो सल्फर से जुड़ा है उसका जीरो हो जाएगा। बाकी अगले का आप निकाल लें। अब इसका निकालेंगे तो सल्फर का एक सौ एक, ऑक्सीजन का माइनस दो गुणे तीन, सोडियम का प्लस एक गुणे दो बराबर जीरो। यहाँ पर एक्स बराबर कितना, प्लस छ, एक्स बराबर प्लस छ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर 17 क्वेश्चन नंबर FeCN6 K4FeCN6। यहाँ पर पोटेशियम का प्लस वन इंटू फोर, आयरन का एक्स, CN का माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल टू कोई चार्ज नहीं इसलिए जीरो, इक्वल टू प्लस टू। यहाँ पर आयरन का निकालना है। यहाँ पर भैया Na2 FeCN5 NO, सोडियम का प्लस वन इंटू टू, आयरन का एक्स, CN का माइनस वन इंटू फाइव। NO का वैसे तो जीरो होता है लेकिन आयरन के कॉम्प्लेक्स में प्लस वन होता है, तो एक्स हो जाएगा प्लस टू। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपसे आयरन का भी पूछता है, आयरन का प्लस टू और NO का भी पूछता है प्लस वन। ध्यान रखिएगा ये दोनों चीजों को। ये हो गया। यहाँ पर FeH2O whole 5 NO, यहाँ पर SO4 या प्लस टू हो जाता है। तो आयरन का निकालना है तो प्लस एक्स, टू ओ का जीरो इंटू फाइव, NO का प्लस वन, SO4 का माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर प्लस वन। ये हो जाएगा 20 NiCO4। यहाँ पर निकल का निकालना है एक्स, CO का जीरो इंटू फोर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। 21 Fe2CO whole 9, आयरन का निकालना है तो यहाँ पर 2x, CO का 0 इंटू 9 कोई चार्ज नहीं बराबर 0, 2x बराबर 0,
एक्स बराबर जीरो, ये हो जाएगा सी आर का एक्स, वाटर का जीरो इंटू सिक्स, वन इंटू थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस थ्री, एक्स इक्वल टू प्लस थ्री, ये हो जाएगा ये 22। तेईस, तेईस का एक्स, डीएमजी का माइनस वन इंटू टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस टू। चौबीस, एन आई जी एल वाई होल ट्वाइस, यहाँ पर एक्स जी एल वाई का भी माइनस वन होता है, इंटू टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस टू। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एन आई ई डी टी ए, एन आई का एक्स ई डी टी ए का माइनस फोर होता है, कोई चार्ज नहीं जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस फोर। 26 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, सी ओ ई एन होल ट्वाइस सी एल टू, यहाँ पर प्लस तो ये हो जाएगा भैया, सी ओ का हम लोग लिखेंगे एक्स, एक्स इन का जीरो होता है इंटू टू, सी एल का माइनस वन इंटू टू इक्वल टू प्लस वन, एक्स इक्वल टू प्लस थ्री। ये 26 हो गया। यहाँ पर 27 क्वेश्चन नंबर, के थ्री ए एल ओ एस होल थ्राइस, तो ये एल्युमिनियम, यहाँ पर पोटेशियम का प्लस वन इंटू थ्री, एल्युमिनियम का एक्स माइनस टू इंटू थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस थ्री हो जाएगा। 27 हो गया क्वेश्चन नंबर। आगे हम लोग और देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की चर्चा करें तो यहाँ पर देखें बेटा, पी टी एन एच थ्री होल फोर, यहाँ पर सी यू सी एल फोर है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो सेंटर एटम है, एक प्लेटिनम है और एक कॉपर है, एक में अमोनिया जो न्यूट्रल है और दूसरे में सीएल जो नेगेटिव है। तो करते क्या है कि जैसे सीएल यहाँ पर नेगेटिव है, तो जितना नेगेटिव है उसका आधा इसको तोड़ेंगे और आधा यहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस टू, और दूसरे वाले पर उतना ही नेगेटिव कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू। अब यहाँ पर प्लेटिनम का हो गया एक्स, अमोनिया का हो गया जीरो, इंटू फोर इक्वल टू प्लस टू, तो एक्स इक्वल टू हो गया यहाँ पर प्लस, यहाँ पर सी यू का एक्स, सी एल का माइनस वन इंटू फोर इक्वल टू माइनस टू, यहाँ पर ध्यान दें, जो जिसमें न्यूट्रल लिगेंड रहेगा उस पर पॉजिटिव करेंगे। ये अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मान लो ऐसे दिया गया है पी टी एन एच थ्री होल फोर, यहाँ पर नेगेटिव लिगेंड भी दो हैं, लेकिन उससे अपने न्यूट्रल है तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, ये सी एल टू है।
और यहाँ पर वही है CuCl4। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये भैया प्लेटिनम हो गया, तो अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक्स यहाँ पर इसको पहले तोड़ लें, इसको हम लोग पहले तोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लेटिनम NH3 होल 4 Cl2, यहाँ पर +2, -2। अब यहाँ पर हम लोग इसको X अमोनिया के लिए 0 × 4, Cl के लिए -1 × 2 =2, X =+4, कॉपर यहाँ पर -1 × 4 =-2, X =+2, ये आ जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर CoEn2, यहाँ पर OH, यहाँ पर NH2, यहाँ पर CoEn2, SO4 2, ऐसे है। यहाँ पर कोबाल्ट का निकालना है, तो ध्यान दो भैया कोबाल्ट का निकालना है, 2 कोबाल्ट हो गया, इन का 0 होता है, N2 हो गया, लिखते चलो, OH का -1, NH2 पर भी -1 होता है, इसको लिख ही चुके हो, यहाँ पर इसका इन का 0 × 2, सल्फेट का -2 × 2 =0। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2x =+6 आएगा और x =+3 आ जाएगा। ये हो गया। यहाँ पर एक और दिमाग में चल रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चलो देखते हैं, यहाँ पर 31 देखते हैं, चलो अभी उसको बाद में देखेंगे, नोट करके। यहाँ पर C6H5 नाइट्रोजन का निकालना है, तो यहाँ पर C6H5 का +1 मान लेंगे, नाइट्रोजन का X मान लेंगे, हाइड्रोजन का +1 × 2 =0, सॉल्व करेंगे X −3। यहाँ पर C6H5NO2 में नाइट्रोजन का C6H5 +1, नाइट्रोजन का हो जाएगा +X, ऑक्सीजन का -2 × 2 =0, X =+3। डाईमेथिल सल्फाक्साइड यहाँ पर सल्फर का निकालना है, तो डाईमेथिल का +1 × 2, सल्फर का X, ऑक्सीजन का -2 × 0, X =0, यहाँ पर नोट करके। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप एंड फेनिल ग्रुप व्हेन अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ईटीसी, इज कंसीडर्ड टू बी +1, पूरे एल्किल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +1 मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, C6H5 का +1 मान लिया गया, ये C6H5 का +1 मान लिया गया,
सी एच थ्री का यहाँ पर प्लस वन मान लिया गया, पूरे ग्रुप का ऑक्सीजेशन नंबर प्लस वन मान लिया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, वन मोल H4 लॉसेस इन मोल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इन व्हिच ऑल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज मेंटेन्ड। इन विच ऑल द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इज मेंटेन्ड। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोडक्ट। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोडक्ट। ये हो जाएगा, ध्यान दो, ये एक मोल जितना N2H4 हाइड्रोजन है, ये 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो 10 मोल निकालने पर ये आ जाएगा। इसके बाद अब अगर सभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में बने हुए हैं तो फिर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ये अगला 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सोडियम परऑक्साइड react with H2SO4 to form the product find oxidation number of most negative product, most negative atom in product, oxidation number of most negative atom in product। तो ये Na2O2, ये H2SO4, ये Na2SO4 H2O2, ये बन गया भैया। अब सबसे नेगेटिव एटम में यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पर ऑक्साइड में तो -1 होता है और सल्फेट में माइनस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -1 और -2। ये लगभग सभी बुक में बना हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया गया है। यहाँ पर 36 क्वेश्चन नंबर देखें। सोडियम परऑक्साइड रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म द प्रोडक्ट एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर Na2O2, यहाँ पर 2HCl, 2N H2O2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा नेगेटिव है,
तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन हो जाएगा, ये होगा ये आंसर, पर ऑक्साइड माइनस वन। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि Cl से रिएक्शन करा रहे हो H2SO4 से, तब भी गलत हो जाएगा। तो रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल कार्बन आइटम ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड आप लिख रहे हो, यहाँ पर सेवन कार्बन है, सिक्स हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्लस वन इंटू सिक्स, ऑक्सीजन का माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो सेवन एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस फोर। टोटल बताना है, एक्स नहीं बताना है, आंसर अगर वाई सेवन कर दिए तो एक कार्बन का हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ये चीज जाएगा। ये एक क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन लास्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दें, एक बार BHU PMT में पूछा गया था, चूंकि कल का लेक्चर खत्म हो गया, नहीं तो वहीं पे तुरंत करा दिए होते। देखें, ये सबसे पहले ही देते हैं, एक फॉर्म बाय थ्री एलिमेंट ए बी एंड सी, ए न्यूट्रल कंपाउंड इज फॉर्म बाय थ्री एलिमेंट ए बी एंड सी, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए बी एंड सी इज रिस्पेक्टिवली प्लस टू प्लस फाइव एंड माइनस थ्री, देन पॉसिबल फार्मूला, आप कंपाउंड पॉसिबल फार्मूला आप कंपाउंड। तो यहां पर ए बी सी क्लियर है, अब बी प्लस फाइव है, सी माइनस थ्री है, तो इन सब को मतलब प्लस और माइनस मिलके जीरो करना है, ऐसा कुछ करो जीरो हो जाए। तो इसको अगर ए को हम टू से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब प्लस टू इंटू टू कर दें, और इसको प्लस फाइव ही रहने दें, माइनस थ्री इंटू थ्री कर दें, तो ये इतना जो है ये नाइन हो जाएगा, और इतना माइनस नाइन हो जाएगा, बराबर जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा मतलब न्यूट्रल कंपाउंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, ए टू बी सी। अब जरूरी नहीं ये पॉसिबल फार्मूला इसको बनाया है, कोई होता है कि दूसरे कंपाउंड को कहे, तो ऐसा नहीं कि दूसरा अगर कोई बनाते हो तो गलत होगा, सही होगा। अगर बस ध्यान ये रखना है कि वैल्यू जोड़ने पर जीरो आए, लेकिन अब विकल्पीय प्रश्न है तो उसमें एक ही ऑप्शन सही होगा, सभी तो सही होंगे नहीं, तो इसमें आप सॉल्व करके तब ऑप्शन नहीं ढूंढोगे। इसमें आप जो कंपाउंड दिए गए हैं उसमें आप देखेंगे कहाँ पे प्लस और माइनस की वैल्यू सम जो है जीरो आ रहा है, तो जहाँ प्लस और माइनस का सम जीरो आ रहा होगा, इसका मतलब वो फार्मूला उस कंपाउंड का फार्मूला हो सकता है, और जहां जीरो नहीं आएगा वो नहीं हो सकता। चलो भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन in which
बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर अकर तो ऐसा कोई रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ये जीरो से ऑक्सीडेशन प्लस थ्री से जीरो रिडक्शन, तो जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, नोट करके। रिडॉक्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिडॉक्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब डेल्टा एच यहाँ पर नेगेटिव होगा। एक दूसरा एंड रिडक्शन अकर साइनली तो हैं, ऐसा ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन हो जाए साइमल्टेनियसली, साइन से एक साथ होता है। यहां पर डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन हिंदी में कहेंगे असमानुपातन अपक्रिया, जहां पर अनुपात भिन्न हो जाए, असमानुपातन अपक्रिया। तो रिएक्शन इन व्हिच सेम स्पीसीज is oxidized and reduced, reaction in which same species oxidized and reduced। तो ऐसा कोई reaction जहाँ पर एक ही species का oxidation हुआ है और reduction हुआ है। ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, तो सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड, तो एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो और रिड्यूस हो उसको आप डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहेंगे। पी फोर थ्री एन ए एच काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये पी एच थ्री यहाँ पर एन ए एच टू पी ओ टू के तीन मालिक्यूल बनने चाहिए और शायद वाटर मालिक्यूल भी बने, यहाँ पर तीन एच टू, यहाँ पर थ्री एच टू ओ भी रहेगा। ये तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो से माइनस थ्री और यहाँ पर प्लस वन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये ही रिडक्शन हो गया। यहाँ पर भैया सी एल टू दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर फोर एन ए सिक्स एन ए एच
3Cl2 6NaOH। फाइव NaCl, NaClO3 3H2O, 0 -1 +5। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये हो गया। आगे स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन स्पेसीज व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ऐसी स्पीसीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन के दौरान चेंज ना हो, FeCl3, SnCl2, यहाँ पर +3 -1 +2 -1 +2 -1 +4 -1 Cl- -H स्पेक्टेटर आयन। तो भैया आज की बात यहाँ पे हो गई। कल हम लोग थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग रेडियो